टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड नो कि 1947 तक हम आए कैसे थे वाई इज इट टर्म्ड कि पाकिस्तान मूवमेंट या इंडिपेंडेंस या आजादी दिलवाना पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मरहला था और उसके लिए कितनी कुर्बानियां गई क्यों लाखों जाने गई क्यों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एक आजाद फिजा में सांस लेते हैं हमें पाकिस्तान एज अ कंट्री है इंडिपेंडेंस डे फोर्टीन ऑगस्ट नाइनटीन था एवरी ईयर नाइनटीन फोर्टी सेवन इज सेलिब्रेटेड पीपल हैव हाई होप्स हम बहुत जोशो जज्बे से बनाते हैं झंडे यहां लगा लेंगे झंडे लहराएंगे ले लेकिन वो झंडा एग्जिस्टेंस में कैसे आया डोंट यू वॉन्ट टू नो ओके आइए आगे चलते हैं और इस बात को समझते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट हम इसको पढ़ेंगे दो फेजेस में पहला फेज है 1857 टू 1940 और दूसरा फेज है 1940 टू 1947 अब आपका सवाल होगा दो ही फेजेस क्यों टू फेजेस बिकॉज पाकिस्तान के आइडिया को एग्जिस्टेंस में आने तक 1940 तक वो आया इट टुक इट ऑलमोस्ट सेंचुरी टू ब्रिंग इट डाउन टू लेवल जहां पे मुसलमान एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिमांड करते उसके बाद जब ये बात यू मस्ट पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान राइट कुछ याद आता है यस yes. नाइनटीन के जलसे में मिनारे पाकिस्तान पे लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश की गई और ये कहा गया जी कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए पाकिस्तान दूसरा फेज आया कि जब ये खाब हमने प्रैक्टिकलिटी में ले आए तो सात साल लगे इसको एग्जिस्टेंस में लाने में इस बात को ब्रिटिशर्स तक पहुंचा के मनवाने में ना अब हम देखते हैं पहला फेज विच इज एटीन टू नाइनटीन बट क्या ये समझना पहले ज़रूरी नहीं है कि हमें ये नौबत ही क्यों आई मुगल एम्पायर मोहम्मद बिन कासिम सुने होंगे नाम है ना यस द मुस्लिम रूलर्स द डायनेस्टीज मुस्लिम रूल द ग्लोरियस रूल तो जब हम इतने ग्लोरिफाइड थे जब इतने ज़्यादा हम विक्टोरियस थे और पूरे ख़ित्ते पे हमारा राज था, तो फिर हमें आज़ादी के लिए इस लेवल तक आने की या इस तरह लड़ने की ज़रूरत और नौबत क्यों आई चल लेट्स अंडरस्टैंड दैट बैकग्राउंड कि 1857 तक हम कैसे पहुंचे मुस्लिम कॉन्टिनेंट अगर आप बोर्ड पे इस देखें तो आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्री पार्टिशन लाइक पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले मैप नजर आ रहा है और वो मैप आपको पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन बता रहा है ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब बात करते हैं कि इस खत्े में मुसलमान इंगेज क्यों हुए सो so, पहली दफा मुसलमानों में से मोहम्मद बिन कासिम अ मुस्लिम इन सेवन ट्वेल्व ए डी ही इनवेडेड एंड कैप्चर्ड सिंध उसको एक जमीन में इंटरेस्ट नजर आया उसको इस जमीन में फायदा नजर आया पावर पोलिटिकल राइज उसने ये जगह इनवेड की एंड देन बिकेम द रूलर चार साल ही वॉज देयर देन इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग ये सिर्फ मुसलमानों के राज का आगाज था देन द सब कॉन्टिनेंट वॉज रूल बाई मुस्लिम फॉर सेंचुरीज एंड इट इट्स हाइट बींग मार्क्ड ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर जब मुगल एम्पायर में मुसलमान थे इस खत्ते में तो वो एक हाइट थी दैट वॉज द मैक्सिमम जो ग्लोरियस विक्ट्री थी वो मुसलमानों ने देखी थी ओवर द सब कॉन्टिनेंट नाउ द टेबल यू आर सींगन दर्ड इज ए स्नैप शॉट ऑफ ऑल द मुस्लिम रूल्स ये आपको एक टेबल के थ्रू मैं एक पिक्चर दे रही हूँ कि इन सेंचुरीज में वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम सेवन टी अभी मैंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम सात सौ बारह ए डी में आया था तब से लेके एटीन फिफ्टी सेवन तक कैसे मुसलमानों का राज रहा सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम सेवन टू से

प्लेस इन इलेवन नाइनटी टू फिर जब डायने की उसकी जगह ले लेता है फिर आई दहली सल्तनत सल्तनत वाज अ लॉन्ग पीरियड एज यू कैन सी इट वॉज फ्रॉम ट्वेल्व 1526 12 सेंचुरी से लेकर 15 सेंचुरी तक दहली सल्तनत रही फाइव डायनेस्टीज थी देवर डिफरेंट रूलर्स एंड देवर इन फाइव डिफरेंट इराज नाउ फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स मार्क्स द स्टार्ट ऑफ मुगल एम्पायर वो कैसे बाबर ही इनवेटेड द रीजन उसने हमला किया वो जीत गया एंड ही बिकेम द एम्प्रायर उसके बाद इट वॉज ए नॉन एंडिंग ग्लोरियस इरा और एम्पायर फॉर ऑलमोस्ट 300 हंड्रेड ईयर्स तीन साल राज किया मुगल्स ने पहले बाबर था फिर उसका बेटा हमायों फिर हमायों का बेटा अकबर फिर जहांगीर फिर शाहजहां फिर औरंगजेब ये सब जितने मुग़ल एम्पायर्स हैं इन सब ने इन्वेजन्स की इर्द गिर्द के एरिया में और मुग़ल एम्पायर को बहुत ज़्यादा वास्ट कर दिया बहुत बढ़ा दिया फैला दिया पोलिटिकली भी सोशली भी मुसलमानों ने राज किया लेकिन इंडिपेंडेंटली एक प्रैक्टिस थे रिलीजन मॉस्क थी दूसरे रिलीजन्स को भी आज़ादी थी क्योंकि इस्लाम दूसरे रिलीजन्स को आज़ादी देता है कि वो अपने हिसाब से जिये सो so, इन लोगों के एम्पायर में मुसलमानों ने बहुत आ, थ्राइव किया जो मैप अब आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं वो है मुगल एम्पायर का मैप सो so, पहले आपने देखा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अब आप देखें कि उस सब कॉन्टिनेंट को माइंड पर रखें कि उस सब कॉन्टिनेंट में मुगल एम्पायर कितनी फैल गई थी इट ऑलमोस्ट अप एवरी कॉर्नर इट वॉज अ ग्लोरियस ग्लोरियस टाइम औरंगजेब के साथ डाउनफॉल स्टार्टेड मुगल एम्पायर नीचे आना शुरू हुई अब जब वो डाउनफॉल स्टार्ट हुई तो उस डाउनफॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट रीजन था ये ब्रिटिशर्स द ब्रिटिश एम्पायर वाई डिड इट स्टार्ट इन फर्स्ट प्लेस क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सब कॉन्टिनेंट में एंट्री स्टार्ट कर दी थी क्योंकि जब मुगल एम्पायर था तो दिस सब कॉन्टिनेंट वॉज थ्राइविंग सोशली इकोनॉमिकली पैसा भी बहुत था एग्रीकल्चरल लैंड थी मिनरल्स um, भी बहुत थे स्पाइसिस भी बहुत थे और सब कम दामों पर थे और ये वो फैक्टर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को ऑल ओवर फ्रॉम यू के इन्वॉल्व किया था टुडे यूके जिसको हम आप यू के कहते हैं ऑल ओवर फ्रॉम देयर एरिया देवर अट्रैक्टेड टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड बिजनेस के लिए पैसे के लिए अब देखते हैं कि ये जो इरा स्टार्ट हुआ उससे पहले क्या हालात थे द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्प्रंगजेब आलमगीर सेवनटीन जीरो सेवन में औरंगजेब आलमगीर की डेथ के बाद वॉज द लास्ट एम्प्र उसकी डेथ के बाद डाउनफॉल स्टार्ट हुई मुग़ल एम्पायर में उसके बाद मुसलमानों के लिए ऑन एंड ऑफ विक्ट्रीज थी देन केम्स शाहवली इमरजेंस ऑफ शाहवली अ ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर रिस्टोर्ड इस्लाम शाहवली ने एकेडमिकली तालीम के जरिए इस्लाम को फैलाना शुरू किया और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्ट करना शुरू किया सो ही वॉज वर्किंग टूवर्ड्स रिस्टोरेशन ऑफ इस्लाम फिर हुआ क्या ये ब्रिटिशर्स कैसे आए ब्रिटिशर्स हैड एंटर्ड द सब कॉन्टिनें अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ट्रेडर्स इन सिक्सटीन हंड्रेड मुगल एम्पायर के दौरान ही ब्रिटिशर्स अट्रैक्ट हो गए थे इस लैंड पे क्योंकि ये एरिया इतना थ्राइव कर रहा था इतना पोलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉग था कि वो लोग मजबूर हो गए कि वी नीड दीज रॉ मटीरियल नीड दीज इतना रिच कंट्री है यहां से हमें कम पैसों में चीजें मिलेंगी तो हमारा बिजनेस हमारी डिवेलप करेगी 1600 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई एंड द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम नॉट बीइंग सो फार साइटेड दे जस्ट अलाउड देम इन कि चलो एक कंपनी बना रहे हैं ट्रेड है हमारे लिए भी फायदेमंद होगी बट इट टर्न आउट टू बी डिजास्टर्स बिकॉज ये एज ट्रेडर्स आए थे बट सून दे इनवेडेड द पॉलिटिक्स इन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता फैलना और बढ़ना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ पोलिटिकली भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया सब ट्राइड स्टॉपिंग प्रॉबेबली ब्रिटिशर्स को इस वक्त पे रोकने की जरूरत है वरना वो पूरे खत्ते में फैल जाएंगे बट वॉज बिट्रेड हिज ओन पीपल एंड वॉज मार्टेड इन द बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ प्लासी में सराजुद्दीन दौला को शहीद कर दिया गया उसके अपने ही लोगों ने उसको धोखा दिया 1799, टीपू सुल्तान ही वॉज द रूलर ऑफ माई सोर एक बहुत फेमस और पावरफुल रूलर और एम्पर ही वॉज देयर ही वॉज एक्सटेंडिंग हिज एम्पायर बट देन अगेन ही वॉज ऑल्सो बिट्रेड बाई हिज पीपल यहां पे भी क्या हुआ इस रूलर को भी बिट्रेल मिला अपने लोगों से और ये बिट्रेल कहां से आ रहा था हु वॉज बिहाइंड दैम ब्रिटिशर्स उकसा रहे थे लोगों को लेकिन अपना वो फायदा निकाल रहे थे इसमें से कि जी डिवाइड करो रूल करो और अपना रूल जो है वो उसके ऊपर रखो अब अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ शाह वली एंड हिज सन्स सैयद अहमद शहीद लॉन्च तहरीक मुजाहिदीन अब फिर एक और रिफॉर्मर जिसने काम किया सैयद अहमद शहीद फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स 1831 में ही वॉज मार्टेड एट बैटल विद सिक्स एट बालाकोट 1831 में सिक्स के साथ एक बैटल में उनको भी शहीद कर दिया गया Apparently, with this, the last effort to revive Islam failed in the subcontinent. इसके बाद कोई बहुत prominent ना reformer ना ruler आया. But people became aware because जब उनके ऊपर इतना pressure डाला गया कि वो politically, socially, religiously अपनी मर्जी नहीं कर सकते आजादी से नहीं रह सकते तो फिर आई म्यूटनी द वॉर ऑफ 1857 इट वाज कॉल्ड द म्यूटनी फॉर अ रीजन दिस वाज द लास्ट अटेम्प्ट टू रिस्टोर मुस्लिम्स पॉलिटिकल पावर अब ये पावर और ये म्यूटनी आई आम लोगों में से कैसे आई देर सेवरल कॉजेज फॉर द वॉर ब्रिटिशर्स क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता फैलते जा रहे थे अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते जा रहे थे लोगों को ये इशू था कि ये बाहर बैठ के हमारी जगह पे राज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं हाउएवर कोई एंपरर नहीं था कोई रूलर नहीं था कोई लीडर नहीं था जिसके नीचे वो आगे बढ़ सकते सो वर वेरियस कॉजेस सोशली इन लोगों को क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन आ गई थी सो पीपल एंड स्पेशली मुस्लिम कंप्लीटली अगेंस्ट द इंग्लिश एजुकेशन वो ये समझते थे कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन को अपनाएंगे तो हमें ब्रिटिश को अपनाना पड़ेगा पोलिटिकली ऑब्वियसली द मुगल एम्पायर का डाउनफॉल था कोई रूलर नहीं था एंड देन नो वन टू गाइड और इस मौके का फायदा ब्रिटिशर्स उठा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पॉलिसीज पास करना शुरू की फिर उन्होंने फैलना शुरू किया इकोनॉमिकली सारे स्पाइसेस सारे रॉ मटेरियल्स सब कम दामों पे एक्सपोर्ट किए जा रहे थे वेस्टर्न साइड पे एंड कोई भी फायदा सब कॉन्टिनेंट को नहीं पहुंच रहा था जबकि वो लोग अपनी इकोनॉमी वेस्टर्न इकॉनमी को स्ट्रांग करते जा रहे थे क्यों क्योंकि वो यहां से कम दामों पे चीजें वहां लेके जाते थे वहां जाके उनको प्रोसेस करके अपनी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बना के उनको महंगे दामों पे बेच के तो अपने लिए पैसा कमाते थे साथ ही साथ वो यहां पे सब कॉन्टिनेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दे रहे थे लोगों में अवेयरनेस नहीं फैलने दे रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दे रहे थे ना पैसा था ना इंफ्रास्ट्रक्चर था ना कुछ था उसके अलावा अगर ये कुछ हो जाता तो ऑब्वियसली सब कॉन्टिनेंट की अपनी इकॉनमी स्ट्रांग हो जाती बट इकोनॉमिकली ना पैसा सोशली लोग ऊपर नहीं जा रहे पोलिटिकली अब जब एजुकेशन मुसलमानों ने वहां के लोगों ने नहीं अपनाई तो ब्रिटिशर्स ने उनको हाई पोस्ट पे जॉब्स देना छोड़ दी बिकॉज उनके लिए स्टैंडर्ड इन इंग्लिश एजुकेशन थी रिलीजियसली

जो लोअर केडर है उसके लिए मुस्लिम्स और हिंदूज और सिक्स को जो है वो रूल कर लिया कि आर्मी हम हाई ऑफ पोस्ट खोद लेंगे लेकिन लड़वाएंगे इन लोगों को वो भी एक डैमेज था कि मरते मुस्लिम या हिंदू थे सब कॉन्टिनेंट के लोग थे अब उन्होंने क्या किया कि आर्मी में उन्होंने ये काटरेज इंट्रोड्यूस किया जो काव फैट और पिग फैट में डिप करके बनाया जाता था इट वॉज कवर्ड विद दीज या गाय की चर्बी या पिग की चर्बी ये यूज करके उन काटरेज को वो बुलेट की तरह इस तरह काटरेज होते हैं उनके ऊपर वो फैट कवर करके तो वो मुसलमानों को देते थे और हिंदूज को मतलब आर्मी को देते थे अब करना क्या पड़ता था अगर आप पिक्चर में देखो तो आपको वो राइफल और वो काटरेज भी नजर आएगा करना ये पड़ता था कि इस काटरेज को बंदूक में डालने से पहले दांत से तोड़ना पड़ता था अब काओ फैट जो है वो हिंदूज के लिए सेक्रेड है होली है और जो पिक फैट है वो इस्लाम में हराम है तो मुस्लिम्स को और हिंदूस को बहुत बड़ा जो शौक पहुंचा वो इस चीज से पहुंचा बिकॉज दे टू देस वे इन सब रीजन की वजह से दे डिसाइडेड दैट दे गोइंग टू हैव अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स कोई बहुत ज्यादा तादाद नहीं थी लेकिन दे देख द रिवोल्ट उनको मार खानी पड़ी दे गॉट डिफीटेड अब रीजन फॉर फेलियर क्या थे रीजन फॉर फेलियर थे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ये थे कोई प्लानिंग नहीं की थी ठीक है कम थोड़े से तो लोग थे बहुत ज्यादा भी नहीं थे प्लानिंग कोई नहीं थी इनके पास दे वर नॉट इक्विप्ड प्रॉपरली कोई इक्विपमेंट कोई बंदूक कुछ नहीं था मिलिट्री रीजन आर्मी ब्रिटिश आर्मी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो इनसे ज्यादा ट्रेंड थे उनके पास कार्टोजेस थे बंदूकें थी पैसा था चीजें थी लड़ने के लिए देवर प्लान बिकॉज देवर एन आर्मी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज लाइक आई अर्लियर सेट जैसे मैंने पहले कहा नॉट ऑल पीपल व्यूटनी सिर्फ कुछ लोगों के हिसाब से यह हुआ था क्योंकि बाकी सारे लोग या तो डर गए थे या वो इस चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे सो एटीन फिफ्टी सेवन विच केम आउट टू बी एजोल्टन म्यूटनी एज कॉल्ड बाई द ब्रिटिशर्स इट वॉज द लास्ट रिजॉर्ट और द लास्ट एफर्ट विच वॉज पुट इन बाय द पीपल लिविंग इन दब कॉन्ट एट द एंड आफ्टर दिस वार ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को पानिश किया दे टाट दैसन अकॉर्डिंग टू दैम दे टॉट दैसन और फिर दे वॉज नो अपराइजिंग एंड देन दे वो अपराइजिंग उसके बाद लोग हिम्मत ही नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने इसका रिज़ल्ट इतना खौफनाक कर दिया था बहरहाल एटीन फिफ्टी सेवन के बाद ये कहानी ख़त्म नहीं हुई असल में शुरू हुई वो अब हम देखेंगे अगले लेक्चर से तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ あ <music>